विदिन अ मिनट माई काइट वॉज रॉकेटिंग टू द स्काई, मतलब एक मिनट के अंदर जो मेरी मेरी काइट थी वो रॉकेट की तरह स्काई में उड़ने लगी. इट मेड अ साउंड लाइक अ पेपर बर्ड फ्लैपिंग इट्स विंग्स. वो ऐसे साउंड दे रही थी जैसे कोई पेपर का बर्ड हो और वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा हो, ऊपर नीचे कर रहा हो हवा में, और उसकी साउंड आ रही है. हसन क्लैप्ड हिज हैंड्स, विसल्ड एंड रैन बैक टू मी. हसन ने अपने हैंड्स को क्लैप किया और विसल करता हुआ मेरे पास आया, सीटी बजाता हुआ. आई हैंडेड हिम द स्पूल, और मैंने अपनी जो स्पूल थी, चरखी थी, वो उसको दे दी. होल्डिंग ऑन टू द स्ट्रिंग, और अपना होल्ड स्ट्रिंग पे कर लिया. एंड ही स्पन इट क्विकली टू रोल द लूजन स्ट्रिंग बैक ऑन, और उसने स्पन का मतलब फटाफट उसने जो उनसी लूज स्ट्रिंग थी, जो लूज धागा था, वो उस पे स्पन कर दिया, मतलब लपेट दिया. एटलीस्ट टू डजन काइट्स ऑलरेडी हंग इन द स्काई, और स्काई में जो उन्हें दिख रहा था दो दर्जन, मतलब 12 × 2 = 24 काइट्स उनको दिख रही थी ऑलमोस्ट. लाइक पेपर शार्क्स रोमिंग फॉर प्रे, ऐसे लग रहा था जैसे पेपर की शार्क है वो, शार्क जो पानी में होती है, और वो अपने प्रे के लिए, मतलब खाने के लिए इधर उधर घूम रही है, मतलब जो काइट्स हैं वो दूसरी काइट को काटने के लिए स्काई में घूम रही हैं. विद इन एन आवर द नंबर डबल्ड, और एक घंटे के अंदर डजन से वो, दो डजन से वो चार डजन हो गई, जो नंबर था वो डबल हो गया. एंड रेड ब्लू एंड येलो काइट्स ग्लाइडेड, और आसमान में रेड ब्लू येलो हर तरह की जो काइट्स थी, कलर की काइट्स थी, वो ग्लाइड कर रही थी, मतलब घूम रही थी. एंड स्पन इन द स्काई, और स्काई में अपने धागे को लेके घूम रही थी. अ कोल्ड ब्रीज वेफ्टेड थ्रू माई हेयर, वेफ्टेड का मतलब ड्रिफ्टेड, मतलब एक ठंडी सी हवा, क्योंकि वहां स्नोफॉल हुई हुई थी तो ठंडी हवा थी, विंटर्स का, विंटर्स चल रही थी, उसकी हेयर्स में से निकली. द विंड वॉज परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग, और विंड इतनी अच्छी चल रही थी जिसमें काइट जो है बहुत अच्छी तरह से फ्लाई कर सकते थी. ब्लोइंग जस्ट हार्ड एनफ टू गिव सम लिफ्ट, इतनी अच्छी तरह से वो ब्लो कर रही थी कि जो काइट है उसको आप थोड़ा सा वो लिफ्ट कर रही थी, मतलब अपने आप ही जो काइट है उसमें उड़ रही थी. मेक दी स्वीप्स इजियर, और जो उसकी स्वीप्स थी वो इजियर हो रही थी, मतलब काइट फ्लाना, फ्लाई करना बहुत आसान हो रहा था. नेक्स्ट टू मी हसन हेल्ड दी स्पूल, और उसके पास खड़ा, राइटर के पास खड़ा हसन जो था, उसके पास स्पूल था. हिज हैंड्स ऑलरेडी ब्लडेड बाय दिस स्टिंग, और उसके हाथ पे थोड़ा सा स्ट्रिंग से ब्लड आ गया था, मतलब उसको चोट लगी थी, जो धागा था वो तीखा होता है तो उससे उसको चोट लगी थी. सून द कटिंग स्टार्टेड एंड द फर्स्ट ऑफ द डिफीटेड काइट्स वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल, कहते कि जल्द ही जो हमारा मेन एम था कि किसी और के काइट काटने का जो एम होता है वो स्टार्ट हो गया, और पहली काइट हमने काट दी और वो काइट नीचे वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो नीचे आ गई. दे फेल फ्रॉम द स्काई लाइक शूटिंग स्टार्स, वो स्काई से ऐसे गिरी जैसे कोई शूटिंग स्टार गिरता है, जब स्टार धरती के अंदर आता है एटमोसफियर में, तो वैसे वो एकदम से स्टीपली गई. विद ब्रिलियंट रिपलिंग टेल्स, और उसकी जो टेल थी वो गोल गोल घूम रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी वो. शॉवरिंग द नेबरहुड्स बिलो विद प्राइजेस फॉर द काइट रनर्स, और वो ऐसे नेबरहुड में, पड़ोस में जाके गिरी और काइट रनर्स उसके पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे उनको कोई प्राइज मिलने वाला है. आई कुड हियर द रनर्स नाउ हॉलरिंग एज दे रैन द स्ट्रीट, अब उसको आवाज आ रही थी, हॉलरिंग मीन्स शाउट करने की, क्योंकि जब काइट गिरती है तो सब खुश हो जाते हैं बच्चे और खुशी से चीखते हुए उसके पीछे भागते हैं कि भाई उसको हमें लेना है, तो उसको वो आवाज राइटर को सुनाई दे रही थी. Someone shouted reports of a fight breaking out two streets down, और एक दो streets के बाद कुछ fight, मतलब बच्चों के बीच में fight होते हुए की आवाज भी सुनाई दे रही थी. अब इस पेज में जो राइटर है वो बता रहा है कि जब वो kite fly कर रहा था तो उसको साथ साथ में क्या क्या दिखाई दे रहा था. I kept stealing glances at Baba sitting with Rahim Khan on the roof and wondered what he was thinking.
और मैं इधर से चला मतलब काइट फ्लाई करता हुआ बाबा की तरफ देख रहा था जो कि रहीम खान के पास बैठे हुए थे, और सोच रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वॉज ही चीयरिंग फॉर मी? क्या वो मुझे चीयर करने के लिए वहां पे बैठे हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि भी मैं अच्छा उड़ाऊं? और डिड अ पार्ट ऑफ हिम एंजॉय वॉचिंग मी फेल? या फिर वो ये देख रहे हैं कि भी मैं फेल हो जाऊंगा? क्योंकि जो राइटर था वो कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उसे लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे लिए खुश हो रहे हैं कि ये जीत के आएगा या मैं फेल हो जाऊंगा। दे वर कमिंग डाउन ऑल ओवर द प्लेस नाउ, द काइट्स, एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग। तो क्या देख रहा था वो? ऊपर बहुत सी काइट्स फ्लाई कर रही थी, और मैं और कहता कि मैं भी उनमें एक फ्लाई कर रहा था। आई वॉज स्टिल फ्लाइंग बट माई आईज केप्ट वॉन्डरिंग ओवर टू बाबा। कहता मैं फ्लाई कर रहा था पर जो मेरी आंखें थी वो बाबा के ऊपर ही थी। बंडलिंग अप इन हिज वूल स्वेटर, उनके जो वूल स्वेटर है उसी को ही देख रही थी। वॉज ही सरप्राइज आई हैड लास्टेड एज लॉन्ग एज आई हैड? क्या वो सरप्राइज है? वो सोच रहा है मन में कि जो मेरे पापा हैं वो सरप्राइज हैं कि मैं अभी तक उड़ा रहा हूँ काइट को। यू डोंट कीप योर आईज टू द स्काई, यू वॉन्ट लास्ट मच लॉन्गर। आई स्नैप माई गेज बैक टू द स्काई। तो क्या है, हुसैन कहता है कि तुम अपनी आईज को स्काई में रखो, नहीं तो तुम अपनी जो वो है काइट है उसको खो दोगे, मतलब आप ज्यादा देर तक नहीं उड़ा पाओगे। तो उसने क्या किया, आई स्नैप माई गेज बैक टू द स्काई। तो उसने राइटर ने दोबारा से अपनी जो गेज थी, गेज मीन्स देखना, वो अपने फादर से हटाकर ब्रेक किया। इसने स्नैप माई गेज मीन्स उसने अपने फादर से अपनी आंखों को हटाया, ब्रेक किया वहां से, और बैक टू द स्काई वो देखने लगा। अ रेड काइट वॉज चेजिंग इन ऑन मी, एक लाल रंग के काइट उसकी तरफ आ रही थी उसके काइट को काटने के लिए। आई डिड कॉट इट जस्ट इन टाइम, कहता मैंने उसको टाइम पे देख लिया, नहीं तो वो मेरे को काट देती। आई टेंगल्ड अ बिट विद इट, मतलब मैंने उसके साथ पेचा लगाया। एंडेड अप बास्टिंग हिम, और फिर मैंने उसको कैच कर लिया, एंड में मैंने उसको कैच कर लिया। व्हेन ही बिकेम इम्पेशियंट एंड ट्राई टू कट मी फ्रॉम बिलो, जब उसने मेरी काइट को काटने की कोशिश करी जो रेड काइट आ रही थी, तो मैंने उसको पकड़ लिया और उसको काट दिया। अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स काइट रनर्स वर रिटर्निंग ट्रम्फेंटली, देयर कैप्चर्ड काइट्स हेल्ड हाई। वो कहता है मैं देख रहा था कि स्ट्रीट में जो काइट रनर्स थे वो सक्सेसफुली, ट्रम्फेंटली का मतलब सक्सेसफुली भाग रहे थे और काइट्स को कैच कर रहे थे और भाग रहे थे उसको पकड़ के। कैप्चर्ड काइट्स हेल्ड हाई, वो ऊपर उड़ती हुई हाई हाई काइट्स को ही पकड़ के, मतलब हाई जो काइट जो है नीचे नहीं गिरती थी, इससे पहले ही उसको पकड़ के वो भाग रहे थे। दे शोड देम ऑफ टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को दिखा रहे थे खुश होकर कि देखो हमने काइट पकड़ी। एंड देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को भी दिखा रहे थे। बट दे ऑल न्यू द बेस्ट वे वॉज येट टू कम, तो उन सबको पता था कि जो लास्ट की काइट है वही उनका मेन प्राइज है। तो द बेस्ट वॉज येट टू कम, जो लास्ट वाली काइट है वो बेस्ट होती है और वो अभी आने वाली है। द बिगेस्ट प्राइज ऑफ ऑल वॉज स्टिल फ्लाइंग, मतलब जो लास्ट की काइट हमने बताया था अभी, वो अभी भी फ्लाई कर रही है, वो उनका बिगेस्ट प्राइज है। लास्ट काइट इज द बिगेस्ट प्राइज। आई स्लाइस्ड अ ब्राइट येलो काइट विद अ क्वाइल्ड व्हाइट टेल, कहता कि मैंने एक येलो काइट जिसके व्हाइट टेल लगी हुई थी गोल गोल घूमती हुई, उसको मैंने कट कर दिया। आई कॉस्ट इट कॉस्ट मी अनदर गश ऑन द इंडेक्स फिंगर, उसको कट करते हुए मुझे एक लॉन्ग डीप कट, गश का मतलब है लॉन्ग डीप कट लग गया इंडेक्स फिंगर पे। एंड ब्लड ट्रिकल्ड डाउन इन टू माई पाम, और उसमें से खून निकलने लग गया जो कि मेरी हथेली, पाम इस हथेली तक पहुंच रहा था। आई हैड हसन होल्ड दी स्ट्रिंग एंड सक दी ब्लड ड्राई, हसन ने जब देखा तो उसने स्ट्रिंग को पकड़ा और उसकी उंगली को से जो ब्लड निकल रहा था उसको सक कर लिया, मतलब मुंह से चूस लिया और उसको ड्राई कर दिया। ब्लॉटेड माई फिंगर अगेंस्ट माई जीन्स, और जीन्स के साथ अपने फिंगर्स को पोंछ दिया। विद इन अनदर आवर द नंबर ऑफ सर्वाइविंग काइट्स ड्विंडल्ड फ्रॉम
मे बी 52 a dozen. वो कह रहा है कि एक घंटे के बाद जो द नंबर ऑफ सर्वाइविंग काइट्स, जो सर्वाइविंग काइट्स थी जो हवा में उड़ रही थी स्काई में, ड्विंडल्ड मीन्स डिक्रीज हो गई, कम हो गई फ्रॉम मे बी 50, पहले 50 तक होंगी और अब क्या होगी, सिर्फ एक डजन रह गई थी. मतलब अब जो काइट्स है वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं और राइटर भी उनमें से एक है जो कि उड़ा रहा है. आई वॉज वन ऑफ देम. और जो एक डजन थी उनमें से एक किसकी काइट थी, राइटर की. आई डिड मेड इट टू द लास्ट डजन. मतलब वो खुश हो रहा था कि मैं लास्ट डजन में आ गया हूं. आई न्यू दिस पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वुड टेक अ वाइल. कहता अभी जो है ये टूर्नामेंट, ये कॉम्पिटिशन जो है वो चल रहा है. Because the guys who had lasted this long were good. जो अभी तक चलते आ रहे हैं वो सारे क्या है, अच्छे काइट फ्लायर्स हैं. They wouldn't easily fall into simple traps. वो सिंपल ट्रैप्स में इजिली फॉल नहीं करेंगे. मतलब उनके जो काइट है उनको काटना बहुत ही मुश्किल है, उनको बहुत सी ट्रिक्स आती हैं. Like the old fit and dive. मतलब old fit and dive जो है वो उनको सब आता है. हसन's फेवरेट ट्रिक, हसन की जो फेवरेट ट्रिक है वो क्या है, फिट एंड लिफ्ट एंड डाइव. लिफ्ट करो और फिर डाइव करो. मतलब पहले उसको खींचो, डाइव का मतलब क्या है, फिर उसको छोड़ दो जिससे कि दूसरे के पतंग कट जाती है. ये हसन की फेवरेट ट्रिक थी. तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज हसन's फेवरेट ट्रिक, तो आप क्या बोलोगे, लिफ्ट एंड डाइव. इससे दूसरे की पतंग कट जाती है और आपकी नहीं कटती. By 3 o'clock that afternoon, tufts of clouds had drifted in and the sun had slipped behind them. 3 o'clock तक afternoon की बात चल रही है. Tufts of clouds had drifted in. मतलब clouds आ गए थे 3 बजे तक. And the sun had slipped behind them. और clouds के पीछे जो sun था वो छुप गया था. Shadows started to lengthen. शाम को जो हमारी शेडो है वो लेंथन हो जाती है क्योंकि सन नीचे आ जाता है, तो हमारी जो शेडो है वो लंबी होनी शुरू हो जाती है. तो वही वो कह रहा है कि लेंथ उनकी बढ़ती जा रही थी शेडो की. द स्पेक्टेटर्स ऑन द रूफ्स बंडल्ड अप इन स्कार्फ्स एंड थिक कोट्स. यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है कि ठंड बढ़ रही थी, क्लाउड्स आ गए थे, जो सन था वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया था, तो इसलिए सबको ठंड लगनी शुरू हो गई. तो सबने स्कार्फ्स, मफलर्स आपने निकाल के, थिक कोट निकाल के पहनने शुरू कर दिए. जो भी लोग वहां स्पेक्टेटर्स बैठे हुए थे, जो ऑडियंस बैठे हुए थे, जो सिर्फ देख रहे थे. वी वर डाउन टू अ हाफ डजन एंड वो स्टिल फ्लाइंग. हमारे सिर्फ हाफ डजन रह गए थे, मतलब अब सिर्फ 6 ही रह गई थी और अब मैं फिर भी फ्लाई कर रहा था. मतलब मैं टॉप 6 में आ गया था. माई लेग्स एक, मेरी टांगों में दर्द हो रहा था खड़े होने के कारण. एंड माई नेक वो स्टिफ, इतनी लगातार ऊपर देखने के कारण उसकी नेक क्या थी, स्टिफ हो गई थी, मतलब जाम हो गई थी. बट विद ईच डिफिटेड काइट होप ग्रू इन माई हार्ट. अब क्या था, क्योंकि धीरे धीरे करके काइट्स कम होती जा रही थी, तो हसन और उसके जो राइटर है उसके मन में एक होप जग रही थी कि शायद हम जीत जाए. लाइक स्नो कलेक्टिंग ऑन अ वॉल वन फ्लेक एट अ टाइम. मतलब इस तरह से होप बढ़ती जा रही थी जैसे वॉल के ऊपर स्नो की परत एक के करके एक लग रही हो. इस तरह से उसकी होप भी बढ़ती जा रही थी. माई आईज केप्ट रिटर्निंग टू अ ब्लू काइट दैट हैड बीन रेकिंग हवोक फॉर द लास्ट आवर. रेकिंग हवोक का मतलब ग्रेट डिस्ट्रक्शन. मतलब लास्ट एक घंटे में जो ब्लू कलर की काइट थी जिसकी तरफ उसकी नजर थी, वो देख रहा था कि इस काइट ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की है, मतलब बहुत सारी काइट्स को काटा है. तो राइटर की जो नजर थी उसी काइट की तरफ थी कि कहीं ये मेरी काइट ना काट दे. हाउ मेनी हैज ही कट, आई आस्क्ड. हसन से पूछता है कि कितनी काइट्स काटी उसने. आई काउंटेड 11, हसन ने कहा 11. डू यू नो हुज इट मे बी. वो पूछते हैं कि ये ब्लू वाली काइट जो सबके काइट्स को काट रहा है वो किसकी हो सकती है. हसन क्लक्ड हिज टंग एंड टिप्ड हिज चिन. तो उसने अपनी टंग को क्लक किया और अपनी चिन पे थोड़ा सा टिप किया, मतलब उंगली से नॉक किया सोचने के लिए. दैट वॉज अ ट्रेडमार्क हसन्स गेस्टर मेंट ही हैड नो आइडिया. जिसका मतलब था ये एक गेस्टर था, मतलब एक एक्सप्रेशन दिया था उसने, ये क्लक्ड हिज टंग एंड टिप्ड हिज चिन, के उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये किसकी है.
ठीक है, दिस इज अ गेस्टर, जिसको देख के हसन दूर से ही समझ गया कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये किसकी काइट है। द ब्लू काइट्स लाइस्ट अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन बिग लूप्स। अब ब्लू काइट ने एक पर्पल वन को भी काट दिया था बड़े बड़े लूप्स बनाकर। 10 मिनट्स लेटर ही डिड कट अनदर टू, और 10 मिनट में उसने आगे की दो और काट दी, सेंडिंग होर्ड्स ऑफ काइट रनर्स रेसिंग आफ्टर देम। और जैसे काइट कटी दो और, तो होर्ड्स ऑफ काइट रनर्स मतलब ग्रुप ऑफ काइट रनर्स उसके पीछे भाग खड़े हुए। आफ्टर अनदर 30 मिनट्स ओनली 4 काइट्स रिमेन्ड। 30 मिनट्स के बाद सिर्फ 4 काइट्स रह गई थी, एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग। और राइटर क्या कहता है कि सिर्फ 4 काइट्स रह गई थी और मैं भी अभी फ्लाई कर रहा था, वो बहुत खुश है। इट सीम्ड आई कुड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव, मतलब मैंने कोई रॉन्ग मूव नहीं बनाया। एज इफ एवर गस्ट ऑफ विंड ब्लो इन माई फेवर, ऐसा लग रहा है कि जो आज विंड है, जो हवा है, वो मेरे ही फेवर में उड़ रही है, मतलब वो चाहती है कि मैं जीतूँ आज। आई डिड नेवर फेल्ट सो इन कमांड, सो लकी। इट फेल्ट इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब आज जैसा उसको फील हो रहा है वैसा उसे कभी फील नहीं हुआ, उसे लग रहा है कि वो बहुत लकी है। आई डिडेंट लुक अप टू द रूफ, अब वो रूफ की तरफ नहीं देखना चाहता। डिडेंट डेयर टेक माई आईज ऑफ द स्काई, अब वो स्काई से अपनी आईज को हटाना नहीं चाहता क्योंकि अब उसको जीतने की उम्मीद लग रही है और वो जीतना चाहता है। आई हैड टू कंसेंट्रेट, कहता मुझे कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, एंड प्ले इट स्मार्ट, और मुझे बड़ी स्मार्टली इसको खेलना पड़ेगा अगर मुझे जीतना है तो, क्योंकि अब एंड में उसको लग रहा है कि वो जीत सकता है। अनदर 15 मिनट्स एंड वट हैड सीम्ड लाइक अ लाफेबल ड्रीम दैट मॉर्निंग हैड सडनली बिकम अ रियलिटी। कहता और 15 मिनट रह गए हैं और मेरा ड्रीम जो है वो पूरा होने जा रहा है। इट वॉज जस्ट मी एंड दी अदर गाय, और अब सिर्फ मैं रह गया और एक और गाय रह गया, दी ब्लू काइट, जो ब्लू काइट जिसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया था वो रह गया सिर्फ। द टेंशन इन द एयर वॉज एज टॉट, टॉट का मतलब स्ट्रेच्ड टाइटली, मतलब हवा में अब टेंशन हो रही थी। एज द ग्लास स्ट्रिंग आई वॉज टगिंग विद माई ब्लडी हैंड्स, और जो ग्लास स्ट्रिंग थी, जो कांच की स्ट्रिंग उसने बनाई हुई थी कट करने के लिए, उससे उसके हाथ में से खून भी निकल रहा था, तो उसको टेंशन हो रही थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट की एक काइट रह गई है। पीपल वर स्टैम्पिंग देयर फीट, क्लैपिंग, विस्लिंग, चैंटिंग, बोबरश पोबरश, और पीपल जो थे वो अपने फीट से स्टैम्प कर रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे। बॉबरश का मतलब कट हिम, के उसकी काइट को कट कर दो। बॉबरश कट हिम कट हिम। आई वॉन्डर्ड, मैंने देखा, इफ बाबाज वॉइस वॉज वन ऑफ देम, कि मेरे बाबा की आवाज भी है क्या उसमें, कि मेरे बाबा भी चाहते हैं कि मैं कट कर दूं, तो वो ये देख रहा है। म्यूजिक ब्लास्टेड, जोर से म्यूजिक बजने लगा। द स्मेल ऑफ स्टीम्ड मंटू एंड फ्राइड पकौड़ा ड्रिफ्टेड फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड ओपन डोर्स। तो उसको अब स्मेल आ रही है खाने की। मंटू क्या होता है? इट इज अ डिश सर्व्ड इन अफगानिस्तान। इट इज अ मीट स्टफ्ड डम्पलिंग, ठीक है, मीट से बनी हुई एक डिश है अफगानिस्तान में जो सर्व की जाती है, और पकौड़ाज हैं जो जिसकी स्मेल खुशबू उसको आ रही थी डोर्स में से। बट ऑल आई हर्ड ऑल आई विल्ड माई सेल्फ टू हियर, मतलब वो जो सुन रहा था वॉज द थडिंग ऑफ ब्लड इन माई हेड। तो उसको क्या लग रहा था? एक्शन ऑफ मूविंग, थडिंग मीन्स एक्शन ऑफ मूविंग। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर में भी खून बह रहा है, मतलब उसको अपने सिर में थकावट फील हो रही थी। एज आई सो वॉज द ब्लू काइट, जैसे ही वो ब्लू काइट को देख रहा था तो उसको लग रहा था जैसे उसके सिर में खून चल रहा है। ऑल आई स्मेल वॉज विक्ट्री, तो मुझे अब क्या लग रहा था कि मैं जीतने वाला हूँ। सेल्वेशन रिडेम्पशन, ठीक है, तो वो टू बी सेव्ड, कि उसको सेव करना है।
रिकवर करना है. इफ बाबा वॉज रॉन्ग एंड देयर वॉज अ गॉड लाइक दे सेड इन द स्कूल देन हैड लेट मी विन. कहता अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो प्लीज, वो गॉड को प्रे कर रहा है एक तरह से कि मुझे आज जीतने दो कि मैं एंड तक पहुंच गया हूं और आज मैं जीतना चाहता हूं. आई डिडेंट नो वट दी अदर गाय वॉज प्लेइंग फोर. कहता मुझे नहीं पता वो क्यों खेल रहा है. मे बी जस्ट ब्रैगिंग राइट्स, द डिंगे मार रहा है वो. ठीक है, ब्रैगिंग का मतलब डिंगे मारना. बट दिस वॉज माई वन चांस. कहता इस बार तो मैं ही जीतूंगा. टू बिकम समवन हु वॉज लुक्ड एट, नॉट सीन, लिसन्ड टू, नॉट हियर्ड. कहता आज तक किसी ने मेरा नाम ना सुना है. ठीक है, पर जो दूसरा काइट वाला है, ब्लू काइट वाला है, वो जो डिंगे मार रहे हैं, आज उसकी वो खत्म हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी. एंड सडनली जस्ट लाइक दैट होप बिकम नॉलेज. और जो उसकी होप थी वो उसकी नॉलेज बन गई, मतलब उसको गाइड करने लगी. आई वॉज गोइंग टू विन, मैं अब जीतूंगा. इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वेन, मतलब ये एक छोटा सा मैटर रह गया बस, मतलब होने ही वाला है कि जब मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा. आई टर्न आउट टू बी सूनर देन लेटर, अ गस्ट ऑफ विंड लिफ्टेड माई काइट एंड आई टुक एडवांटेज. कहता कि क्या हुआ कि एक गस्ट ऑफ विंड आई और उसने मेरी काइट को और ऊपर ले गई और मैंने उसका एडवांटेज उठाया. फेड दिस स्ट्रिंग एंड पुल्ड अप, और मैंने अपनी स्ट्रिंग को फेड किया, मतलब और धागा छोड़ना शुरू किया और उसको ऊपर खींचा. लूप्ड माई काइट ऑन टॉप ऑफ द ब्लू वन, और जो ब्लू वन जो नीचे रह गई थी उसके ऊपर मैंने पेचा डाल दिया, उसके ऊपर लूप बना दिया एक ब्लू के साथ. अब उसने फाइनली पेचा डाल दिया उसको हराने के लिए. आई हेल्ड पोजिशन, मैंने उसको पकड़ के रखा अपनी पोजिशन को. द ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल. अब ब्लू काइट को पता लग गया है कि उसके ऊपर ट्रबल आ गई है, मुसीबत आ गई है. इट वॉज ट्राइंग डेस्परेटली टू मैनोवेयर, वो पैंतराबाजी लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था आउट ऑफ द जाम, जो उसके ऊपर जाम था. बट आई डिडेंट लेट गो, पर मैंने भी उसको जाने नहीं दिया. आई हेल्ड पोजिशन, मैंने उसको स्ट्रांगली उस पोजिशन पे होल्ड किया. द क्राउड सेंस द एंड वॉज एट हैंड, और जो नीचे क्राउड, किसका क्राउड था, रनर्स का, काइट रनर्स का, वो भी सबकी नजर उसी एक लास्ट काइट पे थी जो कि उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह थी, ट्रॉफी की तरह थी कि किसकी काइट कटेगी. द कोरस ऑफ कट हिम, कोरस मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग इन यूनिसन, मतलब इकट्ठे होकर कुछ किसी चीज को बोलना. सारे ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोल रहा था, कोरस वॉज सेइंग कट हिम, कट हिम. ग्रू लाउडर, जोर जोर से आवाज आने लगी, इसको काटो, इसको काटो. यू आर ऑलमोस्ट देयर आमिर आगा, ऑलमोस्ट देयर, हसन वॉज पेंटिंग. हसन भी बोल रहा था बार बार उसको कि तुम बस जीतने ही वाले हो. देन द मोमेंट केम, अब वो मोमेंट, वो टाइम, वो समय आ गया. आई क्लोज माई आईज, उसने अपनी आईज बंद कर ली क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था. ठीक है, एंड लूजन्ड माई ग्रिप ऑन द स्ट्रिंग, और उसने अंदर से प्रे किया आंखें बंद करके और अपनी ग्रिप को लूज कर दिया. ठीक है, आई स्लाइस्ड माई फिंगर्स अगेन एज द विंड ड्रैग्ड इट, जैसे जैसे विंड के साथ वो जो पतंग थी ऊपर जाती रही तो उसकी हाथ पे डोरी से कट भी लग गया. जैसे जैसे विंड के साथ वो आगे गई तो डोरी खींचती है ना, तो उससे उसको कट और डीप हो गया. एंड देन आई डिडेंट नीड टू हियर द क्राउड्स रोर टू नो, और उसको आई डिडेंट नीड टू सी आइदर. कहता मुझे नहीं देखना अगर मैं हार रहा हूं तो क्राउड की आवाज मुझे नहीं सुननी. हसन वॉज स्क्रीमिंग, तभी के तभी उसको हसन की आवाज सुनाई दी चीखते हुए. एंड हिज आर्म्स वॉज रैप्ड अराउंड माई नेक, और उसकी जो आर्म्स थी वो हसन की उसकी नेक के अराउंड थी, आमिरागा की. ब्रेवो ब्रेवो आमिरागा, तो क्या हुआ एंड में, ब्रेवो ब्रेवो मीन्स हसन की आवाज का क्या मतलब था कि जो आमिरागा था वो जीत गया. पहली बार उसने काइट की जो फ्लाइट थी वो जीत गई. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए और हम कभी भी जीत सकते हैं. हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो राइटर था वो पार्टिसिपेट करने से भी डर रहा था और एंड में वो जीत गया.